नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। लखनऊ में जयपुरिया स्कूल के छात्र को दरोगा ने पीटा। लखनऊ में गर्दन पकड़कर जमीन पर पटके, बाल नोचे, थप्पड़ बरसाए, दोस्त से मिलने गया था। सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म, योगी बोले इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। कानपुर चिड़ियाघर में चोरी, 250 किलो की तिजोरी, चुराकर निकाला कैश, मगरमच्छों से भरी झील में फेंकी तिजोरी। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने गिराया पारा। कानपुर में आज भी चलेंगी सर्द हवाएं, अगले दो दिन बारिश के आसार। शिक्षक व स्नातक खंड MLC चुनाव का प्रचार आज थमेगा। कानपुर में कल रवाना होगी पोलिंग पार्टियां, 163 केंद्रों पर होगा मतदान। घाटमपुर में मिले नकली नोटों का मामला, पुलिस एक दर्जन नंबरों की खंगाल रही कॉल हिस्ट्री, 10 से ज्यादा लोग गैंग में शामिल। ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 5 घायल युवकों ने अस्पताल में पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप, बताया सभी को नशेबाज। शाहजहांपुर में स्नातक MLC चुनाव की तैयारी शुरू, भाजपा ने बनाया कॉल सेंटर, जिलाध्यक्ष बोले कोई विपक्षी नहीं, बीजेपी की जीत तय। सहारनपुर में विवाहिता के हत्या आरोपियों को उम्र कैद, मुकदमे की पैरवी कर रहे ससुर का साल 2023 में नहर में मिला था शव, दामाद और बहनों ही दोषी। आगरा के जोशीमठ से रातों रात 50 घर खाली कराए, सामान लेकर रात भर सड़कों पर बैठे रहे लोग, बोले आखिर हम कहां जाएं। बिजनौर में फायरिंग करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, 7 दिन पहले 20 लोगों पर दर्ज हुई थी FIR। भदोही में 3 शिक्षक बर्खास्त, काफी समय से स्कूल में थे अनुपस्थित, 5 बार नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे। होमगार्ड से गाली गलौज, हाथापाई, पुलिस स्कूटी सवार युवकों की तलाश में जुटी, CCTV खंगाल रही पुलिस। अमरोहा में 22 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, DM ने 21,000 का चेक, टैबलेट और प्रशिक्षित पत्र दिए, बोले असफलता से डरे नहीं। गाजियाबाद में महिला टीचर से फोन पर अश्लीलता, पति का हो चुका है मर्डर, MBBS एडमिशन फ्रॉड गैंग पर कॉल करने का शक। जालौन में विधायक और पूर्व विधायक में फोटो खिंचवाने की होड़, केंद्रीय राज्य मंत्री को धक्का देते नजर आए दोनों, बाद में ही दी सफाई। अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर ठगे थे 11 लाख रुपए।
मुरादाबाद में एसडीएम की शिकायत करने वाले फर्नीचर कारोबारी पर एफआईआर। फर्नीचर का पेमेंट मांगने पर एसडीएम ने चलवा दिया था शोरूम पर बुलडोजर। मुजफ्फरनगर में लाला लाजपत राय को दी गई श्रद्धांजलि। राज्य मंत्री कपिल देव ने जयंती पर किया याद, बोले स्वतंत्रता सेनानी को भुलाया नहीं जा सकता। मुजफ्फरनगर में किराएदार ने 50 लाख के कागज बनवा मकान कब्जाया, पुलिस ने धोखाधड़ी में मां बेटे पर दर्ज की एफआईआर। Audio Jungle.